जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। दुख तकलीफें हर एक की जिंदगी का हिस्सा होती है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, लेकिन इससे निजात नहीं है। नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद फैसल। इंसान की जिंदगी कई परीक्षाओं से गुजरती है। यदि आप अपने पूरे जीवन पर नजर दौड़ाएंगे तो आपने देखा होगा जिंदगी आसान नहीं है। बीजिंग गांव के लोग दिन भर पत्थर तोड़ते हैं और अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं। खेलने कूदने की उम्र में यह बच्चा 8 घंटे पत्थर तोड़ता है, यही आस लेकर पसीना बहाता है कि आज भी 250 रुपये माँ के हाथों दूंगा। आपने मांझी द माउंटेन मैन फिल्म जरूर देखी होगी, जहाँ पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया जाता है। इस रोज़मर्रा जिंदगी में हम कई ऐसे दृश्य देखते हैं जो रोज़गार के लिए अहम ज़रूरी है उन कामों को करना, लेकिन आज हम मौजूद हैं रांची से 25 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में, जहां पर एक छोटा सा बच्चा पत्थर तोड़ते हुए हमें नज़र आया। तो हमने सोचा क्यों ना हम उस बच्चे से बात कर लें। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? सोनू। सोनू नाम है? हाँ। तुम कितना पत्थर तोड़ लेता दिन भर में? आधा ट्रैक्टर तोड़ लेते। आधा ट्रैक्टर? कितना रुपया मिलता है आधा ट्रैक्टर से? 250 मिलता है। 250 रुपया मिलता है। जिंदगी की दौड़ में हम अपने बचपना को भूल जाते हैं, लेकिन जब किसी बच्चे को देखते हैं तो हमें अपना बचपना जरूर याद आता है। तुम्हारा पिताजी तुम्हारे साथ रहते हैं? नहीं, गांव में। गांव में है? हाँ। कौन कौन हो तुम अभी घर में? हम और मेरा माँ और मेरा भाई और मेरा दो बहन। अच्छा अच्छा, तुम पढ़ाई भी करते हो? हाँ। कौन क्लास में हो? छठवा। छठवा। पत्थर तोड़ने का काम मेहनत नहीं लगता तुमको इतना? लगता है। कितना उम्र हुआ तुम्हारा? 10। 10 साल? हाँ। 10 साल में तुम पत्थर तोड़ रहे हो, बताओ। तो स्कूल जाते हो तो मन से पढ़ाई करो। हाँ। है ना? हाँ। छोटा सा बच्चा जब पत्थर पर वार करता है तो पत्थर भी रोता होगा, कहता होगा नर्म हाथों में इतनी ताकत कैसे। पत्थर को पीट पीट कर अपना खून पसीना एक कर यह बच्चा खुशी खुशी शाम को घर लौट जाता है। रोजमर्रा जिंदगी में लोग क्या से क्या नहीं करते हैं, आपने देखा किस प्रकार 10 वर्ष के बच्चे जो पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, बड़ी मेहनत का काम है। आप उनकी बातों को सुने, किस प्रकार वो 250 रुपया दिन कमा लेता है। बने रहे जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ, हम इस तरह की खबरों को, इस तरह की बातों को आप तक पहुँचाएँगे। और हमारा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।